पत्थल गांव से बहला फुसला कर अपहरण की गई नाबालिग लड़की को पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी विनोद राठौर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पत्थल गांव SDOP ध्रुवेश जायसवाल ने बताया कि पीड़ित बच्ची के परिजनों ने गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में साइबर सेल की मदद से पता तलाशा गया, जिसके बाद आरोपी और नाबालिग दोनों उज्जैन में मिले। स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी विनोद राठौर को गिरफ्त में लिया गया और उसके कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। प्रकरण में एक आरोपी फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही है। अपहर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग पुत्री घर से बिन बताए कहीं चली गई है। इस पर थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 136/2024 पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस तफ्तीश कर रही थी और तफ्तीश के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विनोद राठौर, जो नगपुरा जलड़ा जिला उज्जैन का रहने वाला है, उसके कब्जे में अपहृता है। पुलिस टीम ने अपहृता को दस्तयाब किया और पुलिस पीड़िता के कथनानुसार पुनः धारा 366, 376(3), 376(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(6) लगाई गई है और अभियुक्त विनोद राठौर को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।